तो आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 टेंजेंट ऑफ सर्किल से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जहां पर आपको एक्स वाई जेड तीन एंगल फॉर्म्ड करने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए, ये एक टेंजेंट है एक्स वाई, और ओ ए और ओ सी क्या है इसमें, रेडियस है, क्योंकि ओ क्या है इसमें, सेंटर है, लिखा हुआ है। एंगल सी ए वाई आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो हमको एक थ्योरम मालूम है कि जब भी रेडियस टेंजेंट में गिरती है तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, 90 डिग्री का। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है तो हमको मालूम है ये पहले से 60 है, तो बचा हुआ एक्स कितना आ जाएगा आपका, 30 डिग्री। अगर x 30 डिग्री है तो ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसलिए ये वाला कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। जब ये 30 है और ये भी 30 है तो y कितना निकल कर आ जाएगा, हमको मालूम है 180 में से माइनस कर लीजिए कितने को, 30 प्लस 30, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो एंगल y कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। अब सबस्टेंडेड एंगल थ्योरम लगा दीजिए, ये 120 है तो ये वाला कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा। तो z हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री क्यों आया, सबटेंड थ्योरम से जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी।